ये ज़िंदगी मुकम्मल हो जाती है जब आप कुछ नया करने की कोशिश करते हो, और ज़िंदगी को मुकम्मल करने के लिए आपको कुछ नया करना होगा। ये दुनिया में बड़ी भीड़ है और इस भीड़ में बड़ा कंपटीशन है। अगर आप ये सोच रहे हो ना कि आप इंतज़ार करोगे, एक दिन आएगा और आप कामयाबी तक पहुंच जाओगे, तो वो दिन कभी नहीं आने वाला। रेस चल रही है हमारी लाइफ में और ज़िंदगी भाग दौड़ की है। सब कोई दौड़ रहा है जो पहले मंजिल तक पहुँच जाए। हमारी प्रॉब्लम ये कि हम सबसे पहले कामयाबी को पाने की सोचते हैं। हम बार बार अपनी किस्मत को अपने कामयाबी के कारण दोष देते हैं। हम हमेशा ये कहते हैं कि हमारी किस्मत में ऐसा नहीं है और हमें कामयाबी नहीं मिल रही है। अगर एक बार आप अपने कामयाबी को छोड़कर कामयाबी के लिए जो कोशिश की ज़रूरत होती है, अगर उस कोशिश पर आप काम करें, कोशिश के बारे में सोचें, तो आई एम श्योर कि आपको सक्सेस डेफिनेटली मिलेगा। ये कामयाबी, ये किस्मत और ये कोशिश, तीनों की शुरुआत क से होती है, और क ही वर्णमाला का पहला अक्षर होता है। ज़िंदगी में पहला जो अक्षर हमने सीखा वो क है, तो ज़िंदगी के पहले अक्षर से ही हमारी ज़िंदगी का निर्माण होता है। तो किस्मत आपका साथ तब देगी जब आप कामयाब होंगे, और कामयाब तब होंगे जब आप कोशिश करेंगे। तो आप हमेशा कोशिश करने के लिए सोचो। किस एक बड़े लक्ष्य की प्राप्ति के लिए एक बड़े सक्सेस का इंतज़ार आप न करें। आपकी हर रोज़ की एक्टिविटी आपको अपने आपके कामयाबी तक पहुंचाती है। आप रोज़ सक्सेस को प्राप्त करने की सोचें। जब आप रोज़ सक्सेसफुल बनोगे, तभी जाकर आप वास्तव में अपने टारगेट को अचीव कर पाओगे। आप ये कोशिश करो कि हम रोज़ वो काम करें जो ज़रूरत है, रोज़ वो कोशिश करें जिसकी ज़रूरत है। याद रखेंगे कि कामयाबी का आखिरी सबूत हमें रात को मिल जाता है कि हम रोज़ कामयाब हैं कि नहीं। आप इवैल्यूएशन करें अपने रोज़ की कामयाबी का। प्रत्येक दिन जो आप काम करते हो, तो अगर आपको दिन में पूरा काम करने को मिले, जब भोजन का टाइम आए तो भरपेट अगर आप भोजन कर सके, और जब सोने का समय आए तो गहरी निद्रा में अगर आप सो जाए, तो आप यह मान लेना कि आप कामयाब थे उस दिन। अब आप ये सोचोगे कि कामयाबी का डेफिनेशन ये खाने और सोने से कैसा है? तो हाय, कामयाबी का रिलेशन हमारे खाने और हमारे सोने से है। हम वास्तव में तभी कामयाब माने जाएंगे जब हमारा पेट हमसे भरपेट भोजन का डिमांड करे और ये माइंड हमसे भरपेट रेस्ट का डिमांड करे। याद रखिएगा कि वो व्यक्ति जिसका माइंड टेंशन में होगा, वो कभी कामयाब नहीं होगा। और जब ये टेंशन में होगा, तो पेट आपसे भरपेट खाना नहीं मांगेगा और दिमाग आपसे भरपेट सोना नहीं मांगेगा। लेकिन अगर आप रियलिटी में कामयाब हो, तो आपका माइंड ना एकदम फ्रेश होगा, कोई टेंशन नहीं होगा। और ये अगर फ्रेश होगा ना, तो आपका स्टमक आपसे भोजन की डिमांड करेगा और आपका माइंड आपसे रेस्ट की डिमांड करेगा। तो जो बंदा तमाम काम करने के बाद भी अगर भरपेट खा लिया और भरपेट मस्ती से सो लिया, वो बंदा उस दिन कामयाब है। ये इवैल्यूएशन है। आप अपने हर एक रोज़ को ऐसे जीने की कोशिश करो। जियो इसे मुस्कराहट के साथ और अपने काम करते रहो। रोज़ के लिए एक टारगेट डिसाइड करो कि आज मुझे इसको अचीव कर लेना है। ये नहीं कि एक बहुत बड़ा टारगेट सेट कर लिया है, एक साल बाद, दो साल बाद उसको पा लेना। एवरी डे यू हैव टू बी सक्सेसफुल बड़े टारगेट को अचीव करने के लिए। जाकर आप किसी भी बड़े आदमी के ज़िंदगी के पन्नों को पलटकर आप पढ़ लो, तो आपको पता चलेगा कि उन लोगों ने ऐसे ही किया था। किसी ने रातों रात अपने आप को स्टारडम में नहीं ढाला था, कोई रातों रात बहुत बड़ा आदमी नहीं बना था। हर रोज़ की कोशिश ने उन्हें बड़ा बना दिया। तो आइए आप अपने ज़िंदगी में हर रोज़ की कोशिश को बरकरार रखें। अगर आप हर रोज़ की कोशिश करोगे, तो आई एम श्योर क से ही कोशिश होगी, और इस कोशिश से ही क से आपकी कामयाबी मिलेगी, और इसी कामयाबी के बदौलत आपकी क से ही किस्मत चमकेगी। आप सभी के उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं। थैंक यू।